हाय स्टूडेंट्स माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड अ वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा बचा हुआ डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग का पार्ट टू खत्म कर लेते हैं फिर हमारा ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा ओके सो लेट्स स्टार्ट विद एट सबसे पहले हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ रहे थे ठीक है प्रेग्नेंसी प्रिवेंट करने के मैथड पढ़ रहे थे उसमें जो फिजिकल मैथड आता है उसके अंदर फर्स्ट आता है क्वांडम जिसको हिंदी में हम निरोध बोलते हैं ठीक है इट इज कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बाई मेल ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन सा है हमारा कॉन्डम्स ठीक है इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाई प्रिवेंटिंग द डिपोजिशन ऑफ सीमेन इन वेजाइना ठीक है द कॉन्डम इज फिटेड ऑन द इरेक्ट पेनेस बिफोर इंटरकोर्स तो इंटरकोर्स करने से पहले ठीक है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले जो इरेक्टेड पीनस होता है ठीक है उसके ऊपर ये कॉन्डम वियर किया जाता है तो जिसकी वजह से जो भी सीमन या स्पर्म्स निकलते हैं पीनस में से मेन के थ्रू तो वो फीमेल की वजाइना में एंटर नहीं होते क्योंकि ये कॉन्डम एक बैरियर की तरह उन पर एक्ट करता है ठीक है फिर अब इसके एडवांटेजेस क्या, क्या क्या है फ़ायदे क्या क्या है इज़ ईज़ी टू यूज़ एंड ईजिली अवेलेबल ईजी है यूज़ करना जस्ट आपको उसके ऊपर वेयर अप करना है ठीक है और ईजीली अवेलेबल किसी भी केमिस्ट शॉप पर अवेलेबल हो जाता है दे आर चीप सस्ते होते हैं एंड नो मेडिकल सुपरविज़न रिक्वायर्ड और इसके लिए आपको कोई मेडिकल सुपरविज़न की या किसी डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती है दे आर सेफ सेफ़ होते हैं यूज़ करने के लिए यूज़ टू प्रोटेक्ट एस टी डी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज़ मतलब जो सेक्शुअल इंटरकोर्स से बीमारियाँ फैलती हैं उनसे भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ठीक है नो साइड इफेक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका लाइट होते हैं कंपैक्ट होते हैं और डिस्पोज ऑफ हम इनको ईजिली कर सकते हैं ओके okay? फिर अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस के कि क्या क्या इनकी कमियां हैं इनके अंदर में स्लिप ऑफ और टीयर ड्यूरिंग कॉइटेस्ट तो जब सेक्शुअल इंटरकोर्स कॉइटेस्ट क्या होता है जब आप सेक्शुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हो उस टाइम ये तो स्लिप भी हो सकता है और टीयर अप मतलब फट भी सकता है ठीक है मे इंटरफेयर द सेक्शुअल इंजॉयमेंट और सेक्शुअल इंटरकोर्स तो सेक्शुअल इन्जॉयमेंट के साथ भी ये थोड़ा बहुत इंटरफेयर uh, कर सकता है ठीक है इट इज़ नॉट हंड्रेड परसेंट एफिशियंट हंड्रेड परसेंट एफिशियंट मतलब हंड्रेड परसेंट यू कैन नॉट बी श्योर आप श्योर sure नहीं हो सकते कि आपने कॉन्डम यूज़ कराया तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती ठीक है इट इज़ यूज ओनली वनस अ टाइम एक कॉन्डम आप एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हो उसे दोबारा यूज़ करोगे तो ये डिसएडवांटेज हो जाएगा दोबारा प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाते हैं ठीक है पॉसिबल टू बर्स्ट द कॉन्डम कॉन्डम वही टीयरअप या बर्स्ट होने के चांसेस हैं मैनी मैन डू नॉट यूज़ देम रेगुलरली एंड केयरफुली और काफ़ी मैन ऐसे हैं जो उनको रेगुलरली और केयरफुल यूज़ नहीं करते ओके okay? फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है डायफ्राम्स एंड कैप्स ये भी हमारे फिजिकल बैरियर मेथड्स में आते हैं दीज आर द दिजाइनल बैरियर्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक अब ये कौन से वेजाइनल बैरियर वो हमारे पेनिस का बैरियर थे ये विजाइना के बैरियर फीमेल पार्ट है ठीक है ये किसके बने होते हैं सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक के बने हुए हैं दीज डिवाइस क्लोज ऑफ द एंट्रेंस ऑफ वोम जो ये वॉम्ब कौन सा है वॉम्ब है यूट्रस ठीक है जो यूट्रस है उसकी ये एंट्रेंस को प्रिवेंट कर लेते हैं उसके आगे ये अड़ जाते हैं ताकि जो स्पर्म्स हैं वो इसको क्रॉस ना कर पाए ठीक है दीज आर इंसर्टेड इन टू द वजाइना इसको वजाइना में अंदर डाला जाता है एंड आई फिक्सड ऑन द सर्विक्स और सर्विक्स पे पहले वजाइना आती है उसके बाद क्या आता है सर्विक्स आता है ऊपर ऊपर ठीक है और उसके बाद यूटरस आता है ठीक है तो ये क्या वजाइना से इंसर्ट करके सर्विक्स के यहाँ फिट कर दिए जाते हैं ठीक है बिफ़र इंटरकोर्स एंड मस्ट रिमेन इन प्लेस फॉर नॉट लेस देन सिक्स आवर्स ज़्यादा से ज़्यादा आप छः घंटे रख सकते हो ठीक है आफ़्टर द सेक्शुअल इंटर कोर्स आपको इसको निकालना है ओके एडवांटेजेस क्या क्या है क्या क्या फायदे हैं इसके दीज आर रिलायबल रिलायबल होते हैं ये ठीक है कोई ज़्यादा रिस्क कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं सेक्शुअल प्लेजर के साथ इंटरफेयर भी नहीं करते हैं और ईजी टू हैंडल होते हैं और सस्ते भी होते हैं ओके अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस है क्या क्या फ़ायदे नहीं है इसके इनिशियली ट्रेनिंग बाय फिजिशियन इज नीडेड टू लर्न इंसर्शन ऑफ द डायफ्राम स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर से कि कैसे इसको इंसर्ट करना है डायफ्राम को ठीक है इसे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द साइज़ विच फिट्स द वुमेन वेल अब हर वुमेन का साइज़ अलग अलग होता है तो इट uh, मतलब ये पता नहीं चलता है कि कौन सा नॉर्मली uh, जो फीमेल्स हैं उनको कौन सा साइज आता है ओके okay? इट रिक्वायर्स केयरफुल अटेंशन टू वॉश इट धोने के लिए सुखाने के लिए स्टोर करने के लिए और उसे बचाने के लिए केयरफुल अटेंशन की ज़रूरत होती है ठीक है इन सम केसेस डायाफ्राम मे बी पुश्ड अवे बाय द पीनस और कुछ इंटरकोर्सेज uh, में क्या होता है पीनस की वजह से डायफ्राम को और अंदर पुश मतलब यूट्रस में चला जाता है कई बार ठीक है सम वुमेन हैव एलर्जी टू डायफ्राम एंड कैप और कुछ वुमेन्स ऐसी होती है जिनको एलर्जी होती है इससे ठीक है तो ये डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं उसके बाद हमारे पास आता है केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन क्या आता है केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन ठीक है द पर्पज ऑफ यूजिंग केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव इज टू स्टॉप द स्पर्म्स प्रोग्रेस कम्प्लीटली और किल दैम बिफोर एंटरिंग इन टू द यूटरस इन द फीमेल ठीक है तो केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन क्या है कि मतलब कोई वो केमिकल निकालेंगे जिसकी वजह से क्या होगा वो स्पर्म्स को आगे बढ़ने नहीं देंगे यूटरस की तरफ या उन्हें पहले ही मार देंगे ताकि वो यूटरस में ना जा पाए और हेंस फर्टिलाइजेशन ना कर पाए ओके अब भाई दीज कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन स्पर्मिसाइड साइड विच किल द स्पर्म अब इनमें क्या है स्पर्मी साइड स्पर्मी साइड क्या होता है साइड होता है किल करना और किसकी बात हो रही है यहाँ पे स्पर्म्स की तो स्पर्म्स को किल करने का इनके पास एक्टिविटी होता है जिसकी वजह से स्पर्म को क्या कर देते हैं किल कर देते हैं ठीक है थीके? इनमें क्या क्या आ जाती है हमारी फॉर्म टैबलेट्स आ जाती है फॉर्म टैबलेट्स क्या होती हैं इनको हम विजाइना में रखते हैं फॉर फाइव मिनट्स पाँच मिनट से बिफोर इंटरकोर्स इंटरकोइटिस के बाद सेक्शुअल इंटरकोर्स से पहले पाँच मिनट इनको विजाइना में रखते हैं ठीक है एट बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर की वजह से ये पिघल जाती है एंड एक फॉर्म प्रोड्यूस करती है जो कि बैरियर की तरह एक्ट करता है वो स्पर्म को एंट्री नहीं करने देता यूट्रस में ठीक है फिर है पेस्ट्स एंड जेलीज़ ये क्या होती है दीज आर पुस्ड इन टू द वजाइना इनको भी वजाइना में ही डाला जाता है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेटर एक एप्लीकेटर की हेल्प से जैसे कि जेली एप्लीकेटर हो गया ठीक है एक जेली की तरह लगाते हैं इसको सफिशियंट टाइम इज टू बी गिवन टू स्प्रेड द केमिकल ऑन द माउथ ऑफ़ द यूटरस और थोड़ा टाइम देना पड़ता है ताकि ये पूरा अच्छे से स्प्रेड हो जाए यूटरस के माउथ में मतलब सर्विक्स में ठीक है और आते हैं सॉल्यूबल टैबलेट्स tab, uh, आती हैं यहाँ टैबलेट्स आएगा ठीक है दीज आर कैप्टन टू द वजाइना वजाइना में रख देते हैं पाँच मिनट पहले ही इंटरकोइटस से ठीक है बॉडी टेम्परेचर पर ये भी मेल्ट हो जाती हैं और ये वही अच्छे से किल कर देती है स्पर्म्स को उनकी एंट्री को प्रिवेंट करती हैं ठीक है उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के तो ये इजी टू यूज़ है सिंपल टू यूज़ है मिल भी आसानी से जाते हैं और हम यूज़ भी आसानी से कर सकते हैं रिलायबल है ठीक है सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड करते हैं और इनका ल्यूब्रिकेटिंग एक्शन भी है मतलब मॉइस्ट रखते हैं उस जगह को ठीक है अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं क्या क्या कमियाँ हैं इनके अंदर हाई फेलियर रेट है ठीक है ज़्यादा फेलियर होने के चांस है इनके मस्ट बी यूज इमीडिएटली बिफोर इंटरको इंटरकोर्स इंटरकोर्स से जस्ट पहले ही इनको यूज़ करना पड़ता है ठीक है कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो इचिंग मतलब खारिश बर्निंग जलने की और ईजी अनइजीनेस मतलब ईजीनेस नहीं रहती उनको लगा के तो वो ऐसा देखने को पाया जाता है ठीक है सम पीपल डू नॉट लाइक परफ्यूम्स यूज इन पेस्ट एंड जेलिस और कुछ को जो परफ्यूम्स जिसमें यूज़ करे जाते हैं पेस्ट और जेलीज में वो नहीं पसंद आते हैं ठीक है फॉर्म टैबलेट्स शुड भी चेकड बिफोर यूज़ विद द हेल्प ऑफ वाटर पहले उनको चेक करना पड़ता है यूज़ करने से पहले ठीक है एक ही बार हम इनको यूज़ कर सकते हैं और जो सिंपल केमिकल बैरियर्स हैं वो रिलायबल नहीं है क्योंकि उनको फिजिकल बैरियर सच जैसे कॉन्डम्स और कैप्स इनके साथ ही यूज़ करना पड़ता है दैट इज़ वाई दे आर नॉट रिलायबल ओके सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव ओके अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस या फिर हम इन्हें इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आईयूडीज या आईयूसीडीज भी बोल सकते हैं हम इनको ठीक है जी दीज आर द डिवाइसेस प्लेस्ड इन द यूट्रस इंट्रा यूट्राइन है नाम से पता लग रहा है इंट्रा मतलब अंदर और यूट्रस के तो इनको यूट्रस में डाला जाता है वुमेन के फॉर प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए ठीक है ये हाईली रिलायबल होते हैं मतलब ये काफ़ी सेफ मेथड होता है ओके दे प्रिवेंट ऑफ फर्टिलाइज ओवम इन द यूट्रस ये चाहे ओवम जो है स्पर्म एंटर भी हो जाए हमारा एग उससे फर्टिलाइज भी हो जाए जो उसकी इम्प्लांटेशन है ये वो नहीं होने देते ठीक है अब वेरियस आई यूडी मतलब टाइप्स की बात हो रही है टाइप्स में फर्स्ट जनरेशन आती है सेकेंड जनरेशन आती है थर्ड जनरेशन आती है फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल है लूप सेकेंड जनरेशन का है कॉपर टी नोवाटी एंड थर्ड जनरेशन का है प्रोजेस्टासर्ट ठीक है फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो दे आर इनर्ट नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस ये कैसे हैं नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस हैं मतलब इनमें कुछ ज़्यादा केमिकल्स या दवाइयाँ ड्रग्स यूज नहीं होती ठीक है ये किसके बने होते हैं पॉलीथाइलिन के बने होते हैं है या और कोई भी पॉलीमर है उनके ये बने होते हैं ठीक है दे अपीयर इन वेरियस शेप साइजेस लाइक लूप स्पायरल स्प्रिंग्स ये अलग अलग साइजेस का होता है अलग अलग शेप्स का होता है जैसे कि लूप शेप का हो गया ठीक है कोई लूप शेप का हो गया कोई स्पायरल शेप का हो गया ठीक है कोई कोयल शेप का हो गया ओके okay, कोई स्प्रिंग शेप का हो गया ऐसे ऐसे शेप के अवेलेबल होते हैं ठीक है लाइपस लूप सबसे कॉमनली यूज डिवाइस है इनका एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन आईयूडी का ठीक है इट इज़ अ डबल एस शेप डिवाइस ये कैसे डबल एस शेप डिवाइस है ऐसा ऐसा सा ये डिवाइस है ठीक है जिसका नाइलॉन थ्रेड इस पर अटैच होता है एक नाइलॉन थ्रेड इस पर क्या होता है अटैच होता है जो एस शेप लूप है वो लाइंड किससे होता है बाय पॉलीथाइलिन प्लास्टिक मटीरियल ये इस पॉली प्लास्टिक मटीरियल का ये बना होता है ठीक है इट डज़ नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर इंसर्शन इसको ये नहीं है कि आपको पेशेंट को एडमिट होना पड़ेगा ठीक है ऐसा कुछ नहीं है इसके लिए अलॉन थ्रेड इज कनेक्टेड टू अदर एंड विच प्रोजेक्ट्स इनटू द वेजा तो जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं अगर जो नाइलॉन थ्रेड है वो विजाइना में लटकना शुरू कर देता है ठीक है द फॉलिंग ऑफ थ्रेड जब लटकने लग जाता है वेजाइना में तो एश्योर करता है कि लूप जो है वो प्रॉपर पोजिशन पर है ठीक है फिर उसके बाद एडवांटेजेस क्या क्या फायदे हैं लाइफ इस लूप के सिंपल होता है इजी होता है इंसर्ट करने के लिए सेक्सुअल प्लेजर के साथ इंटरफेयर भी नहीं करता है, सस्ता है सेफ है ठीक है रिवर्सिबल मेथड आप निकाल भी सकते हो एंड देन आप नॉर्मल हो जाओगे ठीक है कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे टाइम के लिए पाँच छः साल के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो ओके okay? डिसएडवाटेजेस क्या है क्या क्या आ, क्या क्या बेनिफिट्स के नहीं है नीड्स अ ट्रेन पर्सन ट्रेन पर्सन की ज़रूरत होती है इंसर्ट करने के लिए शुड बी रिप्लेस पीरियोडिकली अब इन्होंने बोला कुछ लाइफ स्लूप ऐसी हैं जिनको हर दो साल बाद रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है ठीक है एंड नीड्स एडिक्वेट फॉलो अप और ये फॉलो अप करवाना पड़ता है बार बार चेक कि ठीक पोजिशन पर है कि नहीं है ठीक है रेयरली इट कैन प्रोड्यूस कैंसर ऑफ यूटर रेयर कंडीशन में बहुत जैसे लगा लो दस हजार में से कोई एक वुमेन ऐसी होगी जिसको ये क्या करते हैं कैंसर कॉज कर देते हैं यूटरस में ठीक है फिर हमारे पास आता है सेकेंड जनरेशन आई यू डीज तो सेकेंड जनरेशन आई यू डीज आर कॉपर कंटेनिंग ये कैसे हैं जिनमें कॉपर होता है ठीक है ओल्डर डिवाइज आर कॉपर टी कॉपर सेवन कॉपर टी टू हंड्रेड न्यूअर डिवाइसेज में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं नोवा टी आ जाता है मल्टी लोड डिवाइसेज आ जाते हैं ठीक है तो अब बोला है कॉपर हैज़ एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट कि जो कॉपर होता है उसका कैसा इफेक्ट होता है एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट होता है मतलब जो फर्टाइल होता है उससे ऑपोजिट इफेक्ट ये शो करता है ठीक है दीज डिवाइसेस रिलीज कॉपर इन टू यूट्रस ये क्या करते हैं कॉपर है तो जो आईओडीज़ होते हैं जो कि कॉपर रिलीजिंग होते हैं वो क्या रिलीज़ करते, है? करते हैं कॉपर रिलीज करते हैं यूट्रस में ठीक है कॉपर क्या एनहांस करता है सेलुलर रिस्पॉन्स इन एंडोमीट्रियम क्या करता है सेल का रिस्पॉन्स एनहांस करता है एंडोमीट्रियम यूट्रस के लाइनिंग में एंड ऑल्टर द कम्पोजिशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकोसा और जो सर्विक से म्यूकोसा निकल रहा है उसके कंपोजिशन को थोड़ा बहुत चेंज कर देता है ऑल्टर होता है बदलना चेंज करना ठीक है द कॉपर आयन्स में अफेक्ट स्पर्म मोटिलिटी एंड सर्वाइवल एक तो उसकी मूवमेंट को क्या कर देते हैं स्लो कर देते हैं ठीक है और सर्वाइवल उन्हें किल भी कर सकते हैं ठीक है तो स्पर्म्स को ऐसे कॉपर आयन ट्रीट करता है यहाँ तो करेगा कॉपर क्या करेगा स्पर्म्स को स्लो कर देगा ताकि फर्टिलाइजेशन ना कर पा कर पाए ठीक है या फिर उन्हें किल कर देगा ओके फिर एडवांटेजेस ऑफ सेकेंड जनरेशन आई अब क्या क्या फ़ायदे हैं सेकेंड जनरेशन आई के लो एक्सपल्शन रेट बाहर आने का रेट कम है लोअर इंसिडेंस ऑफ साइड इफेक्ट्स लाइक पेन और ब्लीडिंग ठीक है कम साइड साइड इफेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं जैसे कई बार क्या होता है uh, दर्द होती है ब्लीडिंग होती है बाकी मेथड से बट इसमें कम होती है ठीक है ईजी टू फिट फिट बहुत आसानी से हो जाता है ठीक है इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट इसको किल uh, करने का इफेक्ट बहुत अच्छा है कि प्रेगनेंसी से अच्छे से बचा देता है ये ठीक है कैन बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम के लिए हम इसको रख सकते हैं ओके okay? फिर आते बात थर्ड जनरेशन आईयूडीज की थर्ड जनरेशन आईयूडीज की हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज ठीक है ये क्या करते हैं हार्मोन को रिलीज़ कर रहे हैं किसी ठीक है दीज डिवाइसेस यूज्ड आई एक्ट बाय रिलीजिंग अ हार्मोन इन द यूट्रस ये क्या करते हैं एक हॉर्मोन प्रोड्यूस करते हैं जैसे इनका नाम है वैसे ही ये काम कर रहे हैं ठीक है द करेंटली यूज डिवाइस प्रोजेस्टासर्ट कौन सा है जो करेंटली हम यूज़ कर रहे हैं वो है प्रोजेस्टासर्ट ठीक है ये टी शेप का होता है ये देख सकते हैं आप टी शेप का होता है जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन हारमोन्स होता है ठीक है इट हैज़ डायरेक्ट लोकल इफेक्ट ऑन यूट्राइन लाइनिंग सर्वाइकल म्यूकस एंड स्पर्म्स क्या करता है ये जो प्रोजेस्टरॉन होता है वो हमारे एंडोमीट्रियम की लाइनिंग को एज़ इट इज रखता है यूट्रस की लाइनिंग होती है एंडोमीट्रियम उसको क्या करता है ये एज़ इट इज़ रखता है उसको शेड नहीं होने देता हैंस प्रेगनेंसी से बचाता है ठीक है उस पर ये एक्ट करता है कॉम्प्लिकेशन एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ आई सब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है क्या क्या नुकसान है इसके क्या क्या ओके साइड इफेक्ट्स है ये सारा देख लेते हैं एक तो वेजाइनल ब्लीडिंग वेजाइना से ब्लीडिंग हो सकती है पेन हो सकती है पेल्विस में पेल्विक में इन्फेक्शन हो सकती है ठीक है यूट्राइन परफोरेशन यूटरस बाहर आ सकता है ठीक है प्रेग्नेंसी भी हो सकती है अगर सो आई यूजर्स में से तीन से पाँच ऐसे होते हैं जिनकी पर ईयर प्रेगनेंसी हो सकती है ठीक है टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होता है जो नॉर्मल अगर नॉर्मल केस की बात करूँ तो जो हमारा जाइगोट होता है वो कहाँ इम्प्लांट होता है वो इम्प्लांट होता है यूट्रस में कहाँ इम्प्लांट होता है यूट्रस में बट एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है जो जाइगोट होता है वो आउटसाइड द यूट्रस कहीं और जैसे फेलोपियन ट्यूब ओवरी एबडोमन यहाँ कहीं जाकर क्या होता है इम्प्लांट होता है ठीक है उसे बोलते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी आई में है एक्सपल्शन टेंडेंसी इसकी बाहर आने की भी टेंडेंसी है कि ये बाहर आ सकता है ओके अब एडवांटेजेस ऑफ आई क्या क्या फ़ायदे हैं इसके सेफ है सिंपल मेथड है हाईली रिलायबल है पेशेंट इस पर पे रिलाई कर सकता है मतलब विश्वसनीय है ओके okay? इट विल नॉट इंटरफेयर विद सेक्शुअल प्लेजर सेक्शुअल प्लेजर के साथ इंटरफेयर नहीं करता है इसको हम ईजिली रिमूव भी कर सकते हैं बिना किसी हार्म के ठीक है ये मैंस्ट्रल साइकिल के साथ भी ऑल्ट्रेशन नहीं करता है कुछ चेंज नहीं करता है ठीक है इंसर्शन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है सिर्फ कुछ मिनट ही लगते हैं ठीक है नॉन क्रोसिव है नॉन इरीटेंट है इरीटेशन नहीं कॉज करती है और इसको हम एक बार एक्सरे से चेक करना होता है कि ये सही इसकी पोजिशन में डली है या नहीं डली है ओके okay, जी वंस इट इज़ फिटेड इट इज़ इफेक्टिव फॉर ईयर्स अगर एक बार ही फिट हो गई तो ये सालों साल चलेगी ठीक है कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट इज़ रिवर्सिबल अगर हम चाहते हैं कि हम फिर से प्रेगनेंट होना चाहते हैं बाई चांस आई ओडीज लगा ली हमने बट हम कुछ टाइम बात चाहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी चाहिए तो हम इसको निकाल भी सकते हैं मतलब इसका जो कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट होता है वो रिवर्सिबल है ठीक है फ्री फ्रॉम फ्राम सिस्टेमेटिक साइड इफेक्ट कोई सिस्टम का साइड इफेक्ट नहीं होता हाईएस्ट असेप्टेबिलिटी असेप्टेबिलिटी चांस इसका ज़्यादा है और ये पीनस को भी अफेक्ट नहीं करता एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स ओके तो ये थे हमारे एडवांटेजेस किसके आई के ठीक है अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस क्या नुकसान है आईयूडीज के ठीक है ये हैवी मेंस्ट्रुएशन कॉज कर सकता है पेन कर सकता है पेल्विस में ठीक है पेन हो सकती है इंसर्शन के टाइम पर और इंसर्शन के बाद भी ठीक है क्रैम्प्स हो सकते हैं काफ़ी दर्दें उठ सकती हैं ठीक है मेस्ट्रल फ्लो भी ज़्यादा हो सकता है सम वुमेंस आर नॉट एन टू कीप द आई और कुछ आई uh, यू नहीं रख पाती हैं उसी जगह पर और एक्सपेल आउट हो जाता है उनका ठीक है साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कुछ इसके हेड ब्लीडिंग हो गई वजाइना से ये सारे और मे बी ये कैंसर भी कॉज कर सकता है ठीक है और ये हंड्रेड एफिशिएंट नहीं है कि आप रिलाई कर लो कि आपने आई लगाई है तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते ऐसा नहीं होता ओके okay. अब हमारे पास नेक्स्ट है हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब जो दवाइयां लेते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ठीक है हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव आर केमिकल एजेंट्स ये क्या है केमिकल एजेंट्स हैं जो कि टैबलेट की, की फॉर्म में मिलते हैं ठीक है ये टैबलेट वुमेन को ओव्यूलेट नहीं होने देती मतलब एग नहीं निकालने देती ठीक है दीज कॉन्ट्रासेप्टिव आर ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट इफेक्टिव होते हैं अगर हम इसको प्रॉपरली तरीके से लिए ले, ले मतलब ठीक है ओरल में भी मिलता है प्रेपरेशन में हमें और इंजेक्शन की फॉर्म में भी ये मिलते हैं ठीक है इनमें क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है हॉर्मोन एस्ट्रोजन का या एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं या अकेला सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ठीक है कुछ पैकेट्स में 28 पिल्स होते हैं ठीक है ठीके? जो हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव का पैक होता है ठीक है अब वुमेन टू टेक वन पिल पर डे वुमेन को रोज की एक दवाई लेनी होती है ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉम द फिफ्थ डे क्योंकि फ़र्स्ट टू फिफ्थ डे तो पीरियड्स आते हैं उसके बाद से फिफ्थ डे से स्टार्ट करना है उसे ये पिल लेना डेली एक ठीक है ये क्या करते हैं बच्चे और ओवम को फॉर्म नहीं होने देते हैं से ओविलेशन प्रिवेंट करते हैं और जब ओविलेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो प्रेगनेंसी नहीं होगी ठीक है फिर अब क्लासिफिकेशन की बात करें कि कैसे इनको डिवाइड करा गया है ठीक है आगे क्या क्या पार्ट्स हैं इसके इसमें आता है ओरल पिल्स आता है डिपोट फॉर्मुलेशन आती है ठीक है तो बात करें अगर हम ओरल पिल्स की तो ओरल पिल्स में सबसे पहले है हमारे पास कंबाइंड पिल्स ठीक है सेकेंड है प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल जिसको मिनी पिल भी बोला जाता है ठीक है फिर आती है पोस्ट कॉइटल पिल ठीक है फिर आता है वंस इन अ मंथ पिल ठीक है और फिर आता है मेल पिल ये अभी अंडर रिसर्च में है अभी मार्केट में नहीं लॉन्च हुई ठीक है फिर आते हैं डिपोट फॉर्मूलेशन मतलब जो स्लो रिलीज है उसमें हम इंजेक्शन लगा सकते हैं सबक्यूटेनियस इंप्लांट कर सकते हैं विजाइनल रिंग पहना सकते हैं ठीक है दीज हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन वन और मोर डिफरेंट सेक्स हार्मोन्स इनके अंदर क्या हो सकते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है तो इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा सेक्स हार्मोन्स प्रेजेंट हो सकते हैं अगर हम बात करें औरल पिल में कंबाइंड पिल्स की मोस्ट ऑफ द कंबाइंड पिल्स कम्बाइंड नाम है तो दैट मीन्स दोनों हारमोन एस्ट्रोजन भी प्रेजेंट है और प्रोजेस्टोरॉन भी प्रेजेंट है ठीक है द डिपार्टमेंट ऑफ़ फैमिली वेलफेयर हैज़ मेड अवेलेबल टू टाइप्स ऑफ पिल दो तरह के पिल है माला एन और माला डी ठीक है फिर हम बात करें प्रोजेस्टर ओनली पिल के बारे में तो इनमें सिर्फ क्या होता है ओनली प्रोजेस्टर होता है ठीक है जो स्मॉल डोजेज में दी जाती है ओके फिर डिपोर्ट फार्मुलेशन की बात करें तो इसमें आ जाता है इंजेक्टेबल फार्मुलेशन एग्जाम्पल डिपोर्ट मिथॉक्सी प्रोजेस्टोरॉन एसिटे डी एम पी ए ये इंजेक्शन होता है ठीक है सबक्यूटेनियस इम्प्लान जो सबक्यूटेनियस लेयर में डाला जाता है इम्प्लान जैसे सिलास्टिक कैप्सूल्स इम्प्लांट करे जाते हैं स्किन में वो धीरे धीरे से अपने हॉर्मोन्स रिलीज करते रहते हैं और अपना इफेक्ट दिखाते रहते हैं ठीक है फिर है क्या फ़ायदे हैं इनके इट इज़ सिंपल सिंपल है इजी मेथड है 100 परसेंट इफेक्टिव है रिलायबल मेथड है विश्वास कर सकते हैं इस पर वंस एक बार डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया तो ज़रूरी नहीं आप बार बार डॉक्टर से पूछो लेने से पहले ठीक है इस सेक्शुअल प्लेजर के साथ भी इंटरफेयर नहीं करते हैं ठीक है फिर है डिसएडवांटेजेस ऑफ औरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या क्या नुकसान है इसके द पिल्स में कौन साइड इफेक्ट्स जैसे कि हेडेक हो गया पेन पेल्विस में हो गया ठीक है अनहेल्दी फीलिंग बॉडी वेट बढ़ गया ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं ठीक है ब्लीडिंग बिटवीन द मेन्स्टुएशन भी हो सकती है जैसे मैंस्टुएशन होती है पीरियड्स आते हैं तो उनके बीच में भी कई बार ही ब्लीडिंग होने लग जाती है ठीक है नोजिया हो जाता है ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाता है ब्रेस्ट हार्ड हो जाती है ठीक है इंक्रीज इन शुगर एंड फैट इन ब्लड हमारी जो शरीर होता है उसमें शुगर की मात्रा और फैट की मात्रा बढ़ जाती है ठीक है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कई बार पिल्स कैंसर भी कॉज कर देती हैं ठीक है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है और अब वुमेन हैज़ टू और उसे डेली की दवाई भी लेनी पड़ती है ठीक है और वो रोक भी नहीं सकती इन दवाइयों को बीच में फिर इसका असर नहीं रहेगा ठीक है और रिटर्न टू फर्टिलिटी मे बी डेवलप्ड और चांसेस हैं कि आप वापसी दोबारा से फर्टाइल ना रहो हो सकता है इनफर्टिलिटी भी हो सकती है ओके फिर हमारे पास कुछ नेचुरल मेथड्स आते हैं कि अब कुछ नेचुरल मेथड्स में क्या है अगर किसी को दवाई वगैरह नहीं लेनी हो तो ये है एब्सटीनस क्या है एप्स्टीनेंस एब्सटीनेंस क्या होता है कम्प्लीटली इफेक्टिव मेथड है बट इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू अवॉइड कॉइटस बाय अ कपल कहा जाता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी से बचना है तो आपको सेक्शुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि कपल सेक्शुअल इंटरकोर्स करते ही करते हैं ठीक है तो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी को बचाने के लिए आप ना करें ठीक है फिर है हमारे पास सेकेंड मैथड दैट इज कॉइटस इंटरप्शन विद्रॉल ऑफ पीनस द प्रिंसिपल ऑफ दिस मैथड इज़ द मेल विड्रॉल्स हिज पीनस बिफोर इजैक्युलेशन एंड प्रिवेंट्स डिपोजिशन ऑफ सीमेन इंटू वजाइना तो क्या प्रिंसिपल है किस मैथ uh, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है कि uh, जो सेक्शुअल इंटरकोर्स के टाइम जब इजैक्युलेशन जब स्पर्म्स निकलने वाले हों तो पीनस को वजाइना में से निकाल लिया जाए ठीक है ताकि जो uh, वज, uh, वजाइना में जो स्पर्म्स है वो एंटर ना करें और हैंड्स फर्टिलाइजेशन ना हो ठीक है बट इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं एक तो सेक्सुअल अनसेटिस्फैक्शन होती है ठीक है इतना रिलायबल मेथड नहीं है क्योंकि जो स्टार्टिंग में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ही रहे होते हैं ठीक है तब भी जो थोड़ा बहुत फ्लूड अंदर जाता है वे में उसके अंदर भी स्पर्म्स होते हैं और उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो प्रेगनेंट कर सकें ठीक है और ये मैंस के सेल्फ कंट्रोल पे स्ट्रेन नहीं आ, मतलब स्ट्रेन पड़ जाता है कि उसे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है ठीक है फिर next safe period method, है हमारे पास नेक्स्ट सेफ़ पीरियड और रिदम मेथड ठीक है इट इज़ नोन एज कैलेंडर मेथड इसको हम और क्या बोलते हैं कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं वन वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन एंड वन वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन इज कंसीडर्ड एज अ सेफ पीरियड जैसे इस टाइम पर मेंस्ट्रुएशन आ रहे हैं फॉर सपोज ठीक है मेंस्ट्रुएशन आ रहे हैं चार से सात तरीक तक तो एक हफ्ता इससे पहले का एक हफ्ता इसके बाद का वो सेफ पीरियड कंसीडर होता है कि इस टाइम प्रेगनेंसी होने के कम चांसेस होते हैं ठीक है क्योंकि इन दिनों पे ओविलेशन नहीं होती और कंसेप्शन नहीं होता कंसीव नहीं करते ठीक है एडवांटेजेस क्या हैं एक तो नेचुरल तरीका है बर्थ कंट्रोल का और कोई आर्टिफिशियल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके लिए ठीक है डिसएडवांटेजेस क्या है रिलायबल नहीं है कम्प्लीटली हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते ठीक है और जिनके मेंस्ट्रुएशन पीरियड इरेगुलर है तो उनके लिए मुश्किल है फाइंड आउट करना कि कौन सा हफ्ता है ठीक है और इसमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है और कई बार तो कॉपरेशन नहीं होता बिटवीन द कपल ठीक है और ये एजुकेटेड और रिस्पॉन्सिबल कपल ही इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके हाई फेलियर रेट है कि आ, मतलब क्या है कई बार ही मतलब टोटली इस पर हम रिलाई नहीं कर सकते हैं इसमें एक टॉपिक प्रेगनेंसीज बता चुकी हूँ क्या होती है ठीक है जब यू यूट्रेस से कहीं बाहर जयगोटम प्लांट होता है तो वो भी देखा जाता है इसमें ठीक है और बेबी में अब भी देखी जाती हैं ओके फिर है हमारे पास लास्ट परमानेंट और टर्मिनल मैथड ऑफ स्टरलाइजेशन मतलब अब परमानेंट कि आपको परमानेंट ही चाहिए प्रेग्नेंट नहीं होना है तब आप मेथड ये वाले चूज़ कर सकते हैं ठीक है दिस मेथड इन्वॉल्व सर्जिकल ऑपरेशन दोनों के लिए सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं वो इस मेथड में ठीक है ये किन के लिए सूटेबल है मेल ऑफ ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी ईयर्स और, तो और फीमेल्स बीस से पैंतालीस साल तक ठीक है मेल स्टरलाइजेशन को जो मेल का ऑपरेशन होता है उसे बोलते हैं वेसैक्टमी क्या बोलते हैं उसे वेसैक्टमी ठीक है तो मेल वाले को बोलते हैं वेसैक्टमी इसमें क्या होता है एक स्मॉल कट लगाते हैं हम डिफरेंस पे वास डिफरेंस हमारे स्पर्म्स को सप्लाई करती है ठीक है तो उस पर क्या करते हैं कट लगाते हैं ये फिर उनको कट कर कर उनके एंड को टाई कर दिया जाता है ठीक है ताकि वो एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए वहाँ पे ठीक है जैसे कि ये है ये हमारी वैस डिफरेंस है ये आप देख सकते हो ये हमारा सारा वास डिफरेंस है यहाँ तक ठीक है तो अब यहाँ से उसने क्या कर दिया है वाइस डिफरेंस को कट करके कर टाई कर दिया देख सकते हैं सारे डायग्राम में तो हैंस जो टेस्टीज में स्पर्म बन रहे हैं वो यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे ओके एज द डिफरेंट डाक्टर कट एंड टाई उनको कट करके कर टाई कर दिया गया ठीक है द स्पर्म फ्राम द टेस्टीज़ आर नॉट कैरी टूवर्ड्स यूरेथ्रा अब जो स्पर्म है वो यूरेथ्रा की तरफ नहीं जाएंगे हैंस जो भी फ्लूड इजैक्यूलेट होगा वो बिना स्पर्म के होगा किसके होगा बिना स्पर्म के ठीक है तो हैंस ये कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी को बचाएगा ठीक है आफ्टर द ऑपरेशन मैन शुड यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड ड्यूरिंग सच सजेस्ट क्वानम फॉर एटलीस्ट टू मंथ्स तो अगर ऑपरेशन के बाद भी एटलीस्ट दो महीने के लिए कितने के लिए टू मंथ्स के लिए जो मेल है उसको कॉन्डम का यूज करना है ठीक है डिसएडवांटेजेस क्या क्या नुकसान है पॉसिबिलिटी ऑफ इंफेक्शन इन्फेक्शन हो सकती है और ग्रेन्युलमा ऑफ टेस्टिस क्योंकि स्पर्म तो बन रहे हैं लेकिन स्पर्म अंदर ही स्टोर हो ही जा रहे हो ही जा रहे हो ही जा रहे जिसकी वजह से कई केसेस में ग्रेन्युलमा भी हो सकता है ठीक है कैंसर हो सकता है फीमेल वाले ऑपरेशन को बोलते हैं ट्यूबैक्टमी क्या बोलते हैं ट्यूबैक्टमी इसमें आप देख सकते हो जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनको कट कर कर यहाँ से उन्हें कट करा है और टाई कर दिया है दोनों साइड से ठीक है इन दिस ऑपरेशन बोथ द फेलोपियन ट्यूब्स कट एंड टाइट कर दिया सो दैट ओवम यहाँ से ओवम जब रिलीज़ होगा वो यहाँ से इसको क्रॉस करके यूट्रस तक नहीं पहुँच सके और जो स्पर्म यहाँ से आ रहा है वो एग तक नहीं पहुँच पाएगा हैंड्स फर्टिलाइजेशन नहीं होगी ठीक है द ऑपरेशन इज मेजर वन ये मेजर होता है और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है ठीक है ये लैप्रोस्कोप की हेल्प से होता है लेप्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है उससे हम एबडोम पे इन कट लगाते हैं और फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ये ऑपरेशन को एटलीस्ट टू टू थ्री मिनट्स लगते हैं बहुत छोटा होता है लेकिन मेजर होता है ठीक है अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रोल ऑफ फार्मासिस्ट कि फार्मासिस्ट का क्या काम है मतलब कैसे वो फैमिली प्लानिंग को प्रमोट कर सकता है ठीक है फार्मासिस्ट मेंटेन कर सकता है एक रिलायबल सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव विद द चॉइस ऑफ मेथड्स एंड ब्रांड्स की जो फार्मासिस्ट है वो एक एक अच्छे से सप्लाई कर सकता है सारे जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं उनके लिए ठीक है अकॉर्डिंग टू क्या ब्रांड्स आ रहे हैं कौन सा मेथड कौन अडॉप्ट करना चाहता है उस अकॉर्डिंग देख के ठीक है फिर क्या है फार्मासिस्ट कैन लर्न अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड एडवाइस कस्टमर्स एक्यूरेटली एंड एक्टिवली अगर फार्मासिस्ट को फैमिली प्लानिंग का पता होगा तभी वो अपने कस्टमर्स को एक्यूरेटली और एक्टिवली क्या कर सकता है एडवाइस कर सकता है ठीक है फ़ार्मासिस्ट कैन सेट अप सेल्फ सर्विस डिस्प्लेज ऑफ कॉन्डम्स परमिसाइडल एंड औरल कॉन्ट्रासेप्टिव तो फार्मासिस्ट क्या कर सकता है अपनी जैसे दुकान वगैरह पे डिस्प्ले कर डिस्प्ले में कॉन्डम्स लगा सकता है परमिसाइडल लगा सकता है औरल कॉन्ट्रासीप्टिव लगा सकता है ताकि लोग उसको देखें अवेयर हो उन चीज़ों में और मतलब शर्माएं नहीं लेने से ठीक है फार्मासिस्ट कैन डिस्ट्रीब्यूट ब्रॉशेज अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड डिस्प्ले फैमिली प्लानिंग पोस्टर्स तो जो फार्मासिस्ट है वो ब्रॉशर्स मतलब एक पर्चे वगैरह छपवा के दे सकता है फैमिली प्लानिंग के ठीक है और पोस्टर्स लगवा सकता है ताकि लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो उस बारे में फार्मासिस्ट कैन वर्क विद अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग बाकी के डॉक्टर्स नर्सेज इनके साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग को ठीक है फार्मासिस्ट कैन एडवाइस अ वुमेन टू कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर गिविंग औरल कॉन्ट्रासेप्टिव स्पेशली नॉन डायबिटिक और हाइपर टेंसिव पर्सन तो फार्मासिट क एक वुमेन जो उससे औरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने आती है उसको सलाह दे सकता है कि आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें स्पेशली अगर पता है कि जो फीमेल है वो डायबिटीज़ या फिर बी पी की पेशेंट है ठीक है फार्मासिस्ट कैन सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव सोशल मार्केटिंग प्रोग्राम्स और जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को बेचने के लिए सोशल मार्केटिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनमें फार्मासिस्ट अपना सपोर्ट दिखा सकता है ठीक है फार्मासिस्ट कैन प्रमोट द इमेज ऑफ फार्मासिस्ट एज अ प्रोवाइडर ऑफ़ फैमिली प्लानिंग सप्लाइज एंड इन्फॉर्मेशन तो जो फार्मासिस्ट है वो आ, एक इमेज ऑफ फार्मासिस्ट को क्रिएट कर सकता है एक अच्छी इमेज को प्रमोट कर सकता है कि फैमिली प्लानिंग में इनका भी इक्वल हिस्सा है ठीक है और इन्फॉर्मेशन जगह जगह फार्मासिस्ट भी फैला सकता है ठीक है फार्मासिस्ट कैन वर्क विद द फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके साथ एक फार्मासिस्ट काम करके उनके मेम्बर्स को भी इनक्रेज कर सकता है फैमिली प्लानिंग के लिए ओके सो होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया हो एंड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग